नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज हम और आप हैं खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 104 में। श्रृंखला अब भी चल रही है सिवान के साहबुद्दीन की, जो एपिसोड नंबर 71 से शुरू हुई थी। आज के एपिसोड में भी हम प्रतापपुर गोलीकांड की ही चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, एपिसोड 103 से स्टार्ट हुई थी प्रतापपुर गोलीकांड की कहानी। इसलिए आज की कहानी को जानने के पहले यदि आपने कल का एपिसोड 103 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, तभी आप सब कुछ पूरी कहानी को ठीक से समझ पाएंगे लय और ताल के साथ। एक बात और जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन की श्रृंखला अब समाप्ति के बिल्कुल करीब है। खबरों के पीछे में आगे हम मुजफ्फरपुर के हेमंत शाही और बेगूसराय के कामदेव सिंह की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं और इसी प्रकार की कही अनकही कई कहानियों के लिए जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक या फॉलो कर लें। फिर एक बात और, यदि कोई कहानी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं और मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे ज्ञानेश्वर@gmail.com पर संपर्क करें, मेल करें। जानकारियों के साथ आप अपना नंबर भी मुझे मेल कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। ध्यान रखें, अपने सूत्रों, सोर्सेस और खबरी की पहचान को हम बिल्कुल ही गोपनीय रखते हैं, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि 16 मार्च 2001 को प्रतापपुर गोलीकांड मतलब शहाबुद्दीन के साथ चल रही मुठभेड़ के दिन पटना से चलकर हम सबसे पहले सिवान पहुंचे थे। जब सिवान पहुंचे थे तो सांस ढल गई थी, पूरा सिवान दहशत में डूबा था। बिजली काट दी गई थी शहर की, इंटरनेट बंद कर दिया गया था और मोबाइल सर्विस को लिमिटेड कर दिया गया था। पटना से गोपालगंज में स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से लैंड किया था, फिर वे सभी सड़क से सिवान आए थे। भय कैसा था आप समझ सकते हैं। बताने को पुलिस की मुठभेड़ खत्म हो चुकी थी, पर यह सूचनाएं भी लगातार अब भी सिवान शहर में आ रही थी कि प्रतापपुर मतलब शहाबुद्दीन के गांव की ओर से गोलियों के चलने की आवाज अब भी सुनाई पड़ रही है। शहाबुद्दीन की क्या स्थिति है इसे लेकर भी अफवाहों का बाजार बहुत गर्म था, तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। खैर, पुलिस पदाधिकारियों से मुलाकात कर हमने मुठभेड़ की पुलिसिया कहानी को, जो पुलिस की स्टोरी थी, उसे समझ लिया था। शहाबुद्दीन के मारे गए लोगों की लाशें भी देखी थी, पुलिस वाले का शव भी देखा था, जो शहाबुद्दीन की ओर से की जा रही फायरिंग में शहीद हुआ था। पर इस बात की आशंका अब भी थी कि कुछ लोगों की लाशें, जब हम इस बात की चर्चा कर रहे थे सिवान में, प्रतापपुर की ओर पड़ी हो सकती है। मतलब मुठभेड़ में कितने लोग मारे गए हैं यह अब तक पूरे तौर पर नहीं कहा जा सकता था। तो जो प्रारंभिक खबरें मिली, जो पुलिस ने बताई, उनके आधार पर हमने दैनिक जागरण सिवान का जो ब्यूरो ऑफिस था उसके लैंडलाइन से, क्योंकि मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड कर दी गई थी, पटना ऑफिस में खबरें लिखवा दी थी। लेकिन ये सच था कि जो खबरें अभी हमने दी थी वो खबरें वन साइडेड थी, मतलब सिर्फ पुलिस की जुबानी थी, जो बात ठीक नहीं होती। यह बात हम भी मान रहे थे कि दोनों पक्षों का हाल जानना चाहिए। इंटरनेट बंद कर दिया गया था, इसलिए जो तस्वीरें हम लोगों ने सिवान शहर में ली या मारे गए लोगों की लाशें देखी, उनकी तस्वीरें भी हमारे साथ रहे बिहार के लेजेंड फोटो जर्नलिस्ट कृष्ण वारी किशन पटना नहीं भेज पाए थे। तो हमने तय किया
कि शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर चलेंगे। चाहे उधर अब भी गोलियां क्यों न चल रही हो, वास्तविक स्थिति क्या है जानना बहुत जरूरी है। कारण कि बगैर वहां जाने शहाबुद्दीन की अवस्था के बारे में भी सच नहीं जान सकते थे। अफवाह तो चल ही रहा था, टीवी चैनलों में कहीं शहाबुद्दीन भी मुठभेड़ में घायल हैं इसकी खबर चलने लगी थी, तो कहीं बुरके में भाग गए यह खबर भी चल रही थी। लेकिन उस वक्त में प्रतापपुर जाने में रिस्क बहुत था, इसलिए सभी मना कर रहे थे। पटना ऑफिस भी इस बात को तैयार नहीं था कि इतना जोखिम उठाया जाए, लेकिन अपना मन नहीं माना कि बगैर प्रतापपुर गए सच कैसे जान सकते हैं। हमने अपने मार्शल के ड्राइवर मतलब दैनिक जागरण की गाड़ी मार्शल उसके ड्राइवर महतो से पूछा। हमने कहा चलोगे प्रतापपुर? उसने कहा जहाँ चलिएगा चलेंगे, कोई डर नहीं है। तो महतो का हौसला देखकर मेरा मन और मजबूत हो गया। फोटोग्राफर किशन जी ने कुछ सेकंड सोचा लेकिन वे भी रेडी हो गए। हमने पटना में अपने घर में कुछ भी नहीं बताया, वैसे भी मोबाइल सर्विसेज को लिमिटेड किया जा चुका था। इस कारण घर वाले हमसे चाह कर भी बहुत संपर्क नहीं कर सकते थे। हाँ, टीवी में जो खबरें चल रही थी उससे बेचैन तो जरूर ही हो गए थे। हमने शिवान के दैनिक जागरण कार्यालय के लैंडलाइन फ़ोन से एक बार घर पर बात कर ली थी और बता दिया था कि सब कुछ ठीक है, रात को लौटेंगे, देर रात को लौटेंगे, कितने बजे लौटेंगे यह पता नहीं है। तो फैसला हो गया कि प्रतापपुर चल रहे हैं। लेकिन किशन जी ने सवाल दागा, फोटोग्राफर किशन जी ने, क्या हम सभी प्रतापपुर पहुंच जाएंगे इस स्थिति में? वहां कैसे पहुंचेंगे जब इतनी सारी खबरें हैं कि गोलियां चल रही हैं, लाशें पड़ी हुई हैं? तो हमने कहा चलते हैं, वहां तक चलेंगे जहां से आगे जाने के लिए कोई हमें रोकेगा नहीं। यदि कोई रोक देगा तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अपने पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए। पुलिस वाले लौट आए हैं यह बात भी सही है, इसलिए रोके जाने का खतरा सिर्फ शहाबुद्दीन के लोगों से ही है, तो देखा जाएगा, भले चले तो हम सबों को गोली थोड़ी ना मार देंगे वे सभी बिना कुछ जाने पहचाने। तो हम लोग प्रतापपुर के लिए निकल दिए। रास्ता जाना बहुत दूरी तो है नहीं, लेकिन सिवान के दैनिक जागरण के किसी भी साथी को अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। अपने साथ उनकी जान को भी जोखिम में डालने का कोई अपना प्लान नहीं था, इरादा भी नहीं था। सिवान शहर से वैसे भी प्रतापपुर बहुत दूर नहीं है, तो घुप अंधेरे में, बिजली काट दी गई थी, रात हो ही रही थी, घुप अंधेरे में मार्शल गाड़ी हमारी चली जा रही थी। जब प्रतापपुर गांव पहुंचने को करीब थे तभी से अंधेरे में भी मुठभेड़ की भयावहता देखी जा रही थी। दो लाशें अब भी हम लोगों ने रास्ते में गिरी देखी, कई गाड़ियां जल रही थी, लपटें अब भी उठ रही थी, इनमें पुलिस की भी गाड़ी थी। ऐसा लगा कि बाद में जला दी गई है, और शायद ऐसा इसलिए हुआ कि मुठभेड़ के बाद कारण कुछ भी हो, पुलिस वाले इन गाड़ियों को वहां से अपने साथ ले नहीं जा पाए थे। लाश और आग को देखकर हमने समझ लिया था कि जितने मारे गए उतने मारे गए, लेकिन शहाबुद्दीन के लोग दोबारा गांव प्रतापपुर में आ गए क्योंकि आग बाद में लगाई गई है। और दिन की मुठभेड़ को लेकर सिवान से लेकर पटना तक जितना बवंडर मच गया है, पुलिस फिर से अभी इधर मतलब शहाबुद्दीन के गांव में नहीं आने वाली है। मुठभेड़ को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी थी, कईयों ने कहना शुरू कर दिया था कि सब कुछ लालू यादव का ही किया कराया है। शिवान में यह भी हल्ला हो गया था कि एसपी बच्चू सिंह मीणा ने अपने बूते इतनी बड़ी इनकाउंटर को अंजाम दिया, क्योंकि कलेक्टर
राशिद अहमद खान जो उस वक्त कलेक्टर थे, इस बड़ी मुठभेड़ के बिल्कुल खिलाफ थे। वे बच्चू सिंह मीना के प्लान से सहमत नहीं थे। राशिद अहमद खान को कलेक्टर को तब सिवान में सरकार का कलेक्टर नहीं शहाबुद्दीन का कलेक्टर माना जाने लगा था। मतलब राशिद अहमद खान शहाबुद्दीन के आदमी माने जाते थे। खैर, अब हम लोग प्रतापपुर गांव की बाहरी सीमा पर पहुंच गए थे। गांव के भीतर प्रवेश ही करना था, लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। बहुत सारे लड़के शहाबुद्दीन के लोग हथियार लिए गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी रुकवा दी। अभी हम सब कुछ अपने बारे में बता पाते उसके पहले ही बहुत तेज चिल्लाकर गाड़ी की हेडलाइट बंद करने को कहा गया। इसके बाद हम सबों को नीचे उतरने को कहा गया। जैसा उन सबों ने कहा वैसा ही हम सबों ने किया, यह बात भी सही है। सभी बहुत गुस्से में थे जो लड़के आए। पहले वे हम सबों की पहचान समझने को तैयार ही नहीं थे, जबकि हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि मेरा नाम ये है, हम लोग प्रेस के बंदे हैं, दैनिक जागरण पटना से आए हैं। फिर भी हम सबों की उन लोगों ने तलाशी ली और यह कंफर्म कर लिया कि हम सबों के पास कोई हथियार आदि तो नहीं है। उन्हें लग रहा था कि सादे लिबास में पुलिस वाले ही तो फिर से नहीं आ गए हैं। किस्मवाड़ी किशन जी के कैमरे के बैग की तलाशी तो ऐसे ली गई कि पूछिए ही मत, सब कुछ उलट पुलट दिया गया। वे गुस्से में भी आ गए थे, लेकिन करते नहीं क्या। तो खैर, अब जब सब कुछ हो गया और कुछ भी नहीं मिला, तलाशी पूरी हो गई, तो हमने उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, पूरी पहचान बताई, आने का मकसद बताया। मैंने पूछा एमपी साहब, मतलब शहाबुद्दीन हैं कहाँ? तो उन लड़कों ने बड़ा ही सटीक सा जवाब दिया, कह सकते हैं होशियारी भरा जवाब। कहा कि एमपी साहब कहाँ हैं, वे तो हैं ही नहीं और आज इनकाउंटर के वक्त भी नहीं थे। तो जब ये जवाब आया तो हम सभी चौंक गए, लेकिन मुझे लग गया था कि ये होशियारी भरा जवाब है। वे लड़के कह रहे थे कि पुलिस वालों ने बेकसूर लोगों को मारा है। कोई कहता इतने लोगों को मारा गया है, तो कोई कहता और इतने लोगों को मारा गया है। यह भी कहा जाने लगा कि जिंदा पकड़कर लोगों को ले जाया गया और बाद में गोलियों से उड़ा दिया गया है। मैंने कहा ठीक है, ये सब जानने को ही तो आपके पास आया हूं। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं मान लेता हूं कि एमपी साहब मतलब शहाबुद्दीन प्रतापपुर में नहीं है, घर में नहीं है, गांव में नहीं है, लेकिन उनके घर में कोई तो होगा, हिना साहब होंगी या फिर उनके पिताजी अथवा परिवार की कोई और, उनसे ही मेरी मुलाकात करा दीजिए, पूरी बात जानेंगे। तो इतना कुछ कहने के बाद वे कुछ शांत हुए। मैंने कहा देखिए इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, जाकर घर में कहिए कि पटना से दैनिक जागरण अखबार के कोई ज्ञानेश्वर आए हैं, यदि वे मिलने को बुला लेंगे जो भी घर के भीतर हैं तो ठीक है, और नहीं मिलने को बुलाएंगे तो हम सभी वापस चले जाएंगे, इसमें कोई आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो जो लड़कों का समूह था उसमें दो लड़के होशियार दिखे, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग यहीं रुकिए, ये लड़के भी यहीं रहेंगे, यहाँ से आगे आपको नहीं बढ़ना है, हम आपका संवाद लेकर जाते हैं। बाकी सबों ने उसके कहे अनुसार हम सबों को अपने ही कब्जे में बनाए रखा। अब थोड़ी देर बाद वे लड़के जो दो लड़के थे संवाद लेकर वापस आ गए, बोले चलिए आपको एमपी साहब बुला रहे हैं। यह बात जैसे ही हमने सुनी कि एमपी साहब बुला रहे हैं, यह बात तो स्पष्ट हो गई कि शहाबुद्दीन को कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा अफवाह चल रहा है वे सही सलामत हैं, और मुठभेड़ के दौरान भले ही कुछ देर के लिए प्राण बचाने को इधर उधर हुए हों, अब फिर से अपने घर में लौट आए। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है वे लड़के साथ में ही पैदल ही हमें और केम किशन जी को शहाबुद्दीन के घर ले गए। गांव में बिजली तो कटी ही थी, लेकिन जेनरेटर अथवा
इमरजेंसी लाइट के माध्यम से साहबुद्दीन के घर में कुछ रोशनी कर दी गई थी। घर के पहले तल्ले पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, साहबुद्दीन ने हम सबों से मुलाकात की। टी शर्ट पहने और हाथ में तौलिया लिए बार बार अपने चेहरे को पोंछ रहे थे। कुछ हथियारबंद लोग फिर से जमा हो गए थे, पर उनकी तस्वीरें लेने की मनाही पहले ही जारी कर दी गई थी। साहबुद्दीन को मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं थी, वे पहले से बहुत अच्छे से मुझे जानते थे। और जैसे ही बातचीत शुरू हुई, पहले तो खड़े खड़े ही साहबुद्दीन फट पड़े, गुस्से में एकदम लाल पीले, पूरे घर में तोड़फोड़ हुई थी साहबुद्दीन के घर में। इस तोड़फोड़ ने इस बात की गवाही दी कि मुठभेड़ करने वाली पुलिस साहबुद्दीन के घर तक घुस आई थी, भले ही साहबुद्दीन न मिले हों। घर की दीवारों पर गोलियों के निशान थे, एक जगह नहीं कई कई जगहों पर। साहबुद्दीन सब कुछ दिखाते जा रहे थे मुझे, मैं नोट कर रहा था और के एम किशन फोटो खींचते चले जा रहे थे। हम सभी तब प्रिंट मीडिया के लोग थे, इसलिए वीडियो की विधा, जो वीडियो की जानकारी होती है, न हम लोग को थी और न इसकी जरूरत ही थी। साहबुद्दीन ने दिखाया, गुस्से में लाल पीले साहबुद्दीन ने दिखाया कि जब मुठभेड़ करने वाले पुलिस वालों को वे घर में नहीं मिले तो किस तरह घर में टंगी उनकी तस्वीरों पर, मतलब साहबुद्दीन की तस्वीरों पर गोलियां मारी गई। घर के बाहर खुले में कुछ गाड़ियां जल रही थी, जाहिर तौर पर इसे साहबुद्दीन के लोगों ने ही जलाया होगा, बाद में जलाया होगा, पर उनका कहना था, मतलब साहबुद्दीन का कहना था कि ये पुलिस वाले ही जलाकर गए हैं ताकि केस को मजबूत किया जा सके। साहबुद्दीन की कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था, अब इसके पीछे कौन थे मैं नहीं कह सकता। खैर, साहबुद्दीन गुस्से में लाल पीले साहबुद्दीन अब सोफे पर बैठकर मुझसे बात करने लगे। इतना गुस्सा आज तक मैंने किसी व्यक्ति के भीतर नहीं देखा था। सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीना पर तो इतना फायर कि पूछिए ही मत। लालू यादव के बारे में अब भी कुछ बोलने से बच रहे थे, पर साहबुद्दीन बार बार कह रहे थे जवाब सबों को मिलेगा, यह बोलने में और कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इस बातचीत में उन्होंने सिवान के एसपी बच्चू सिंह मीना को अपना दुश्मन नंबर वन घोषित कर दिया था। बोलते बोलते साहबुद्दीन बोल गए, इस एसपी बच्चू सिंह मीना को हम राजस्थान तक पीछा कर मारेंगे, अब इसके बचने का उनके शब्दों में कोई सवाल ही नहीं होता। मेरे लिए साहबुद्दीन का यह बयान बहुत ही बड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं उत्तेजना में तो नहीं बोल गए और इसे छापना नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जो कह दी जाती है लेकिन छापने से मना कर दिया जाता है। तो मैंने साहबुद्दीन से पूछ ही दिया कि एसपी बच्चू सिंह मीना को राजस्थान तक पीछा कर मारेंगे, ये जो आप बोल रहे हैं क्या आपका यह बयान ऑन रिकॉर्ड है, मतलब छापने लायक है और इसे हम छाप सकते हैं? तो साहबुद्दीन ने कहा, मैं फालतू में कोई बात नहीं करता ज्ञानेश्वर जी, आप जानते हैं, और फिर कुरान की कसम खाकर कह रहा हूं कि राजस्थान तक पीछा कर मारेंगे, इसे आप छापिए छापिए छापिए। आपको यही बता दें कि अभी बच्चू सिंह मीना स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में एडीजी सिक्योरिटी के पद पर तैनात हैं और मूल रूप से राजस्थान के ही रहने वाले हैं। साहबुद्दीन से मुलाकात कर हम लोग प्रतापपुर से बाहर निकले और अब सिवान में दैनिक जागरण कार्यालय जाने के बजाय सीधे छपरा को निकल लिए। कारण कि इंटरनेट बंद होने के कारण सिवान से हम तस्वीरें और खबरों की बड़ी फाइलें पटना नहीं भेज सकते थे। छपरा ऑफिस को देर रात तक खुला रखने को कह दिया गया था। मुठभेड़ के बाद सबसे पहले साहबुद्दीन के घर पहुंचने और इंटरव्यू की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबों के पास ही थी। और राजस्थान तक पीछा कर एसपी मीना को
मारने का विस्फोटक बयान भी। छपरा पहुंचकर रात को ही हम सबों ने पूरा काम किया। सवेरे दैनिक जागरण मैनेजमेंट ने सिवान के लिए स्पेशल व्यवस्था की थी। 17 मार्च 2001 की सुबह पहले तो सिवान शहर में दैनिक जागरण का सिवान एडिशन पहुंचा, इसे डाक एडिशन करते हैं, सिटी एडिशन के बहुत पहले छप गया होता है। खैर इसमें भी बहुत कुछ एक्सक्लूसिव खबरें थी, लेकिन इसके बाद पटना का नगर एडिशन सिवान भेजा गया स्पेशल गाड़ी से, जिसके बारे में आज भी आपको पुराने लोग बताएंगे कि किस तरह उस दिन 17 मार्च 2001 को सिवान के हॉकरों ने इसे ब्लैक में बेचा था। अखबार की कीमत कितनी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन अखबार अपनी कीमत से 4 गुना 5 गुना अधिक कीमत पर बिक रही थी उस दिन। आज जब आपसे हम ये कहानी शेयर करने जा रहे थे, तो हमने अपनी लाइब्रेरी में और फिर दैनिक जागरण पटना के कार्यालय में भी 17 मार्च 2001 का अंक खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य नहीं मिला। केएम किशन जी भी अब हम सबों के बीच नहीं है जो उन तस्वीरों को आपको दिखा पाते। जब तक वे थे उनकी लाइब्रेरी बहुत ही सॉलिड थी। पर याद रखिए, जब भी कोई आपको 17 मार्च 2001 का अखबार दिखाएगा, तो सिर्फ दैनिक जागरण में ही मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन की मौजूदगी में उनके घर की तस्वीरें और राजस्थान तक पीछा कर मारेंगे मीना को इंटरव्यू मेरे नाम के साथ ही प्रकाशित दिखेगा। और इस इंटरव्यू के छपने के बाद सिवान से लेकर पटना तक हंगामा हो गया था 17 मार्च 2001। लालू यादव से तो मेरी बहुत ही तेज बतकही हो गई थी, और इस बीच शहाबुद्दीन ने क्या किया था वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह सब आपको हम बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल रात 9 बजे खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 105 में। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, कल रात फिर मिलेंगे। चलते चलते फिर वही अनुरोध, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।